बहुत ही सही चीज़ें लगी मेरे को, कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई ये ज़्यादा मतलब कॉस्टली है, वर्थ इट है सारी चीज़ें। और एलॉय में मैंने लगवा दिए हैं ट्रेंडिंग व्हील कवर जो है गाइस, उसको देख के आप बता सकते हैं कि क्या ही मतलब एक अलग ही तरीके से बल्कि लुक आ रहा है अपनी RS 200 का। होंगे बहुत ही ज्यादा बढ़िया हमेशा की तरह। तो जी शुरू करते हैं वीडियो को, व्लॉग को। क्या ही गजब का दिन हो रहा है आज, और आज बात करेंगे गाइज अपनी RS 200 की मॉडिफिकेशंस को लेके कि क्या क्या खर्चा हो चुका है और क्या क्या मतलब कितने रुपए में सारी चीज़ें हुई हैं। और ब्लैक कलर में आपको ये पसंद आ रही बाइक पसंद आ रही है नहीं आ रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और पहले करते हैं रोड क्रॉस, फिर उसके बाद करते हैं डिटेल में बातें अपनी RS 200 की, अपने RS 200 के बारे में गाइज। तो भाई देखो बहुत ही कम पैसों में मॉडिफिकेशंस हो गया अपनी बाइक का, तो ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आया है। तो एक खर्चा तो होता है कि ज़्यादा पैसा लगा दो और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस ऐसी ऐसी कर दो। देख मेरे को ख़ास तौर से मॉडिफिकेशंस वही वाली पसंद है जो थोड़ी सी मतलब अच्छी भी लगे, डिसेंट लगे। ज़्यादा मतलब मॉडिफिकेशन करने का कोई मेरा ऐसा इरादा नहीं है कि भैया ऐसे करो वैसे करो, मतलब बाइक आपकी अच्छी लगनी चाहिए, बस यही वाली मेन बात है। जितने मैंने जो मैंने रैप लगा रखा था, रैप तो मैंने बिल्कुल ही निकाल दिया है क्योंकि वो रैप बिल्कुल बेकार हो चुका था। तो वैसे येलो कलर में, येलो और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन था ना वो बहुत ज़्यादा किलर कॉम्बिनेशन था। तो बस थोड़ा सा वो रैप जो था उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा ये रैप छूट चुका है, मतलब यहीं पर रह गया है। तो इसको थोड़ा सा निकालना है अभी, तो इसमें हो सकता है स्क्रैच रिमूवल वाली जो क्रीम आती है ना उससे निकालने का कोशिश करूँगा। क्योंकि इस पर क्या आता है कि रैप ख़राब हो गया था ना, जहाँ से फट गया था, तो मैंने वहाँ से क्या गया फेविक्विक लगा दी थी जिससे कि वो चिपक गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन और वो बेकार और ज़्यादा हो गई, तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। और बाकी करेंगे इसको भी। और मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो क्या मॉडिफिकेशंस हैं अब जो रिसेंटली जो मेरी बाइक में अभी मॉडिफिकेशंस हैं। सो सबसे पहले तो देखो गाइस अपनी एक तो क्या नाम है मिरर्स हैं, ये LED इंडिकेटर वाले मिरर्स हैं, और जो ट्रेंडिंग वाले व्हील कवर जो चल रहे हैं वो व्हील कवर्स हैं। और टेल टाइडी मैंने निकाली रखी है, अभी कोई बढ़िया सी जगह आती है वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर इसकी ओवरऑल लुक। क्या ही खतरनाक लुक आ चुका है अपनी गाड़ी का यार। और वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो ना गाइज, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि भैया देखो धूप आप देख सकते हैं, धूप में निकलना और कंटिन्यू आपसे ऐसे बातें करना गाइस, मतलब प्यास भी लगने लग जाती है, गला सूखने लग जाता है। तो ये देखो मेहनत है, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल के ऊपर देखो आप वीडियो देखते हो वॉच करते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते ना गाइस, ये थोड़ा सा बस बुरा लगता है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए भाई के चैनल को गाइस। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ाया जाएगा और ऐसे ही नई नई राइड्स आपके लिए लाई जाएंगी। सो आने वाले टाइम में गाइस राइड अपनी प्लान हो चुकी है भाई, हम लोग निकलेंगे उत्तराखंड के लिए और क्या ही गजब का एक ट्रिप होने वाला है, फुल ऑन पावर। और अपनी RS 200 जाएगी, मैं एवेंजर को नहीं लेके जा रहा हूँ, एवेंजर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें क्या है एक तो वो पिकअप ना ढंग से ले नहीं रही है, 80 की स्पीड पे जाते ही मतलब वो पिकअप जो लेना चाहिए ना वो पिकअप नहीं ले पा रही है। अब क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्लच प्लेट का प्रॉब्लम है या फिर थ्रॉटल बॉडी का कोई प्रॉब्लम है, तो वो अब मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको चेक करवाएंगे। और बाकी रोकते हैं कहीं सही सी जगह पे और वहाँ पे आपको ओवरऑल लुक चेक कराता हूँ मैं कि कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस अपनी हो चुकी हैं और क्या क्या चीज़ है और कितना कितना कॉस्ट आया है सब में। तो आप अगर करवाने की सोच रहे हो तो आप भी इस चीज़ को करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे जगह सही है, बढ़िया है। तो सबसे पहले तो अपने LED के इंडिकेटर आ जाते हैं जो कि मैंने 1300 के मैंने लगवाए थे। और दूसरा मॉडिफिकेशन है अपना ये वाली
डबल बबल वाइजर, ये आपको 500 रुपीज़ में पड़ जाएगा। फिर दूसरा आता है विंगलेट, जो कि आपको 350 या 300 रुपये के आसपास की पड़ जाएगी। और बाकी एलॉय में मैंने डलवा दिए हैं ट्रेंडिंग व्हील कवर जो हैं गाइज, उसको देख के आप बता सकते हैं कि क्या ही मतलब एक अलग ही तरीके से बल्कि लुक आ रहा है अपनी RS 200 का। और मैंने अपनी क्या है कि यहाँ से टेल टाइडी निकाल रखी है, जिससे कि लुक थोड़ा सा स्पोर्टी लुक वाला आ रहा है। और पीछे से मैंने टायर हगर नहीं निकाला है, क्योंकि ये देखो पीछे बैठने वाला बंदा थोड़ा सा क्या है कि बारिश वगैरह का जब सीन रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि बारिश में पानी वगैरह ज़्यादा उड़ता है। सो बस ये एक ओवरऑल मॉडिफिकेशंस है गाइस, जो कि आपको मैं रास्ते में बता देता हूँ कि कितनी कितनी चीज़ों की क्या क्या रेट हैं और क्या क्या उसकी कॉस्ट वगैरह है। तो ये सब चीज़ें, और धूप इस टाइम गाइस इतनी ख़तरनाक वाली हो रही है ना, बस पूछो मत आप। सो देखो खर्चा क्या है, खर्चा सिर्फ सबसे पहले आ जाते हैं जो हैं अपने वो गाइस, आपको 1300 to 1400 के ये पड़ जाते हैं। विंगलेट आपको 300 रुपये की या 350 रुपये की आपको पड़ जाएगी। और जो आपको ये विंडशील्ड है डबल बबल वाइज़र, जो कि स्टॉक है अलग से है ये, तो ये आपको पड़ जाएगा 350 या 300 रुपये का आपको ये पड़ जाता है। और जो आपको ट्रेंडिंग व्हील कवर है गाइस, देखो आप अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको 1300 to 1500 समथिंग में आपको पड़ने वाला है। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं तो ऑफलाइन में आपको गाइस जस्ट 700-800 रुपीज़ में उसमें पड़ जाएगा दोनों, मतलब उसके लिए तो बहुत ही सही चीज़ लगी मेरे को। कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई ये ज़्यादा मतलब कॉस्टली है, वर्थ इट है सारी चीज़ें। और ओवरऑल लुक आपका 300 रुपये ये है, और मतलब आप ये मान के चलिए आपकी 2-3 हज़ार रुपये में आपकी सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर मॉडिफिकेशन ये वाली चीज़ हो जाएगी। और आपकी बाइक का जो लुक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो जाने वाला है। सो गाइज वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट ब्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून स्टे वॉच, बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए गाइज। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक मिलते हैं गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।